नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका न्यूज अस्टेट पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। खजुराहो से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर भी एफआईआर दर्ज। खजुराहो थाने में अन्य 60 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बिना परमिशन के थाने के सामने धरना दिया गया था। सलमान खान की हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया गया था। आचार संहिता उल्लंघन का यह पूरा मामला। छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की मौत को लेकर कांग्रेस नेताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा समेत कांग्रेस नेता थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं और प्रशासन ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। और देखिए यहां पर किस तरीके से धरना दिया गया था। अब धरने को हालांकि खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब एफआईआर कई लोगों पर, दिग्विजय सिंह समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। कांग्रेस नेता कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। बिना परमिशन के थाने के सामने उनकी ओर से धरना दिया गया था। हमारी मांग साफ है, प्रशासन ने इस विभत्स घटना पर संज्ञान लेते हुए धारा 302 के अंतर्गत 20 लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज की है। 15 से 20 गाड़ियों ने इस हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता को, सलमान को रौंदा है। उस पर अभी तक, बाकी तो अपराधियों के तो छोड़ दीजिए, जिन गाड़ियों ने रौंदा है वो उनकी भी जब्ती नहीं हुई है। आखिर ये प्रकरण बनेगा कैसे? और चलिए इसे